हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे वी विल बी डूइंग अ क्विज ऑफ चैप्टर हिवाथा। इट्स एन इंग्लिश चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव रेड इट एंड अंडरस्टूड इट। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्विज करेंगे, देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से चैप्टर एक्चुअली में समझ में आया है। उससे पहले कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग में जिनके आंसर्स आप लोग लिख लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड देन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताए जाएंगे, जो कि आपको देख के बताना है। कि देन लास्ट में क्रॉस चेक करेंगे आप लोग कि आपके कितने आंसर्स सही है एंड हाउ मेनी मार्क्स यू एक्चुअली स्कोर। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, इफ एनी स्टूडेंट दैट इज हु इज न्यू टू द चैनल, या फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हिवाथा। हिवाथा कौन था? अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी, अ रेड इंडियन बॉय, या फिर एन इंडियन बॉय, एक रेड इंडियन बॉय था या फिर एक इंडियन बॉय था। तो रेड इंडियन था या फिर इंडियन या फिर लिटिल गर्ल। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। रेड इंडियन का मतलब ये नहीं है कि कोई इंडियन है जो रेड दिखता है। रेड इंडियन वर्ड एक्चुअली यूज़ किया गया था जो यूरोपियन, जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत टाइम तक रूल किया है, ऐसे ब्रिटिशर्स ने अमेरिका के ऊपर भी रूल किया है। तो जो नेटिव अमेरिकन लोग थे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो रहते थे, उनको वो लोग रेड इंडियन बुलाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ की अमेरिका की खोज कैसे हुई थी। वो इंडिया को ढूंढने एक्चुअली में जा रहे थे, गलती से उन लोगों को अमेरिका मिल गया, तो उन्होंने उन्हें रेड इंडियन कहना शुरू कर दिया। ओके, सो हिवाथा कौन था? आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा एंड वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर पता भी लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? आपके ऑप्शन है हिवाथाज ग्रैंड मदर, हिवाथा की ग्रैंड मदर थी, हिवाथाज सिस्टर, उनकी सिस्टर थी, या फिर हिज मदर, उसकी मदर थी। नोकोमिस, हिवाथा, नोकोमिस, यही दो मेन कैरेक्टर है, बाकी बर्ड्स एंड ऑल है आपके इसमें। तो नोकोमिस कौन थी? उनकी ग्रैंड मदर, उसकी सिस्टर, या फिर उसकी मदर। आंसर लिख लीजिए, आंसर टू कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए या फिर अपने पास लिख लीजिए, ए बी सी जो भी आपको लगता है। लास्ट में आपको आंसर सभी क्वेश्चंस के बता दिए जाएंगे, क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपके आंसर सही है या नहीं। ये हिंट है आपके लिए, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिवाथा लर्न अबाउट बर्ड्स। हिवाथा ने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा? आपके ऑप्शन है लैंग्वेज, बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी वो क्या कहती हैं, फ्लाइंग स्किल्स, उनकी फ्लाइंग स्किल्स सीखी किस तरीके से वो उड़ती हैं, या फिर उनकी फूड हैबिट के बारे में सीखा। आपको बताया हुआ है कि हिवाथा ने क्या चीज़ लर्न की थी अबाउट बर्ड्स, क्योंकि वो जंगल में रहता था। तो बर्ड्स की लैंग्वेज, फ्लाइंग स्किल, या फिर फूड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको। राइमिंग वर्ड्स आई एम श्योर आते होंगे, एक एक राइमिंग वर्ड मैं बताऊंगी, उसके अलावा एक आप अपनी तरफ से लिखिए। जैसे ओल्ड का राइमिंग वर्ड हो सकता है गोल्ड, एक आप लिखिए और ये इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लिखने हैं आपको ज़रूर। रेड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? रेड बेड, ट्री, फ्री। ओके, सो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, एक एक राइमिंग वर्ड आप कमेंट सेक्शन में इनके अलावा लिख के बताएंगे मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस। व्हाई द रैबिट वॉज सो डैश। ये हिवाथा ने कहा था कि रैबिट इतना, एक कैरेक्टर बताया था उसका, ये क्यों है? तो आपके ऑप्शन है ब्रेव, रैबिट इतना ब्रेव क्यों है, टिमिड, इतना डरा हुआ क्यों है, डरता क्यों है, या फिर ब्यूटिफुल क्यों है। कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर इस सेंटेंस में हिवाथा ने रैबिट के लिए यूज़ किया था? ब्रेव, टिमिड और ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट लिव। रैबिट जहाँ रहता है उसको, वो कौन सी जगह है? डेन में रहता है, बी हाइव में रहता है, या फिर होल्स में रहता है। ये जो तीनों प्लेसेस के नाम है आपको पता होने चाहिए, कौन सी बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। डेन में आपको पता होगा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बी हाइव में भी पता होगा आपको, नाम ही इसका इसके इंसेक्ट के नाम पर पड़ा है, और होल में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रहते हैं। रैबिट आपको बताना है कहाँ पर रहते हैं। वैसे रैबिट जहाँ पर रहता है उसको हम बरो बोलते हैं, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू, लेकिन बुक में आपका जो कहानी में जिक्र किया गया है वो इन तीनों में से एक चीज़ बताई गई है। ओके,
तो ये देखिए पिक्चर में दिखाया भी हुआ आपको, ये रैबिट का घर है, आई एम श्योर आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीवर्स लिव इन, बीवर्स कहाँ रहते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ भी है आपको। आपके ऑप्शन हैं लॉजिस, स्टेबल या फिर स्टाई, तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट हाउसेस के नाम जब भी कोई चैप्टर एनिमल्स का आता है मैं ज़रूर बताती हूँ। स्टेबल स्टाई, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो में आंसर भी दिया हुआ है, तो इस बार बीवर को बताइए लॉजिस, स्टेबल स्टाई। ओके, ये बीवर होता है देखिए, और ये उसका घर है जहाँ पर वो रहता है। नाम आई एम श्योर आपने बता दिया होगा आंसर में, नहीं बताया तो एंड में आपको मैं भी बता दूंगी वीडियो के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ए विद बी, ए को बी से मैच करिए। तो देखिए ये मैं 1 2 3 यहाँ पर कर देती हूँ इस, और इसका आंसर मैं अभी इसी स्लाइड के एंड में ही बताऊँगी। ये है 1 2 3, दिस इज ए बी एंड सी। तो लिख लीजिए कॉपी में जो भी आपको लगता है किसका आंसर है। वेन एवर, हु एवर, वेर एवर, वेन एवर मतलब जब भी, हु एवर मतलब जो भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, वेर एवर मतलब जहाँ भी। आई गो, आई हैव फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ मेरे दोस्त मिलते हैं। आई एम हंग्री, आई ईट, भूखा होता हूँ खाना खाता हूँ। कम फर्स्ट विन, पहले आता हूँ और जीत जाता हूँ। तो मैचिंग कर लीजिए कौन सी किसके साथ होगी, आंसर अभी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट है आपका वेन एवर, जब भी, इसकी मैचिंग होगी आपकी, फर्स्ट की मैचिंग होगी आपकी बी के साथ। अगर आपने फर्स्ट हो बी के साथ मैच किया आपका आंसर सही है। वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, जब भी मैं भूखा होता हूँ मैं खाना खा लेता हूँ। हु एवर, हु एवर जो भी, तो हु एवर कम्स फर्स्ट विन, जो भी फर्स्ट आता है जीत जाता है। तो इसकी सेकेंड का जो मैचिंग होगी वो सी के साथ होगी। वेर एवर जहाँ भी, वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, तो थर्ड की मैचिंग आपकी फर्स्ट ए के साथ होगी। अगर आपने यही किया तो अपने आपको 1 मार्क दे दीजिए, अदरवाइज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ब्लैंक आपको फिल करने हैं करेक्ट वर्ड चूज करके। सबसे पहले आपका द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग, स्क्विरल की क्या है, लॉन्ग टेल या फिर टेल। देखिए दोनों ही सेम है बोलने में बट स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों के मतलब भी डिफरेंट होते हैं। तो आप बताइए कौन सा टेल यहाँ पर आएगा, टी ए आई एल, टेल टी ए एल, इनमें से एक टेल का मतलब पूछ होता है जो आप लिखेंगे इसके, और एक टेल का मतलब होता है कहानी। द सम इज, ये जो सम है, ये जो क्वेश्चन है, इज राइट, राइट की दो स्पेलिंग है, डब्ल्यू आर आई टी ई आर आई जी एच टी। एक राइट का मतलब होता है लिखना, एक मतलब होता है सही, तो सही वाला यहाँ आएगा, कौन सा है वो डेफिनेटली आप आंसर लिखेंगे। ही इज़ आर स्कूल, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इनमें से एक प्रिंसिपल होता है जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं आपके, और एक प्रिंसिपल होता है सिद्धांत कि मैं ये मेरे कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा, आंसर लिख लीजिए आप, टेल कौन सी आएगी, राइट कौन सा आएगा, प्रिंसिपल स्पेलिंग के साथ, एंड में आपको आंसर दिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेनेवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता था, कॉल्ड देम हिवाथास, तो उनके उनको क्या बुलाता था, हिवाथा के ब्रदर्स भाई, फ्रेंड्स दोस्त या फिर फैमिली। व्हेनेवर ही मेट देम कॉल्ड देम हिवाथास, ये बर्ड्स वगैरह की बात हो रही है, ब्रदर फ्रेंड्स फैमिली। ओके, सेंटेंस आपकी बुक से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है आपका। हिवाथास ग्रैंड मदर्स नेम वॉज नोकोमिस, तो इसमें कौन है आपका, एक नाउन क्या है, वॉज नाउन है, नोकोमिस नाउन है, हिवाथा नाउन है, या फिर बोथ बी एंड सी, हिवाथा एंड नोकोमिस दोनों नाउन है। नाउन में नहीं बता रही हूँ बिकॉज बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, ग्रामर में भी करा चुकी हूँ, और वैसे आपको पता भी होगा सेकंड ऑनवर्ड्स ही ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, तो इसका आंसर आप अभी देंगे और मैं आपको आंसर भी स्लाइड के बाद ही बता दूंगी। एडजेक्टिव और प्रोनाउन पहचानिए। वी ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी, हम सब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। एडजेक्टिव बताइए क्या है, एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसी है। प्रोनाउन होते हैं जो कि एडजेक्टिव, जो कि आपके उसकी जगह यूज़ किए जाते हैं नाउन की जगह। तो बताइए एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है, आंसर लिखिए अभी के अभी, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका, मैं अभी आंसर बताऊंगी आपको। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए इसमें जो एडजेक्टिव है वो है ग्रेट,
फ्रीडम फाइटर तो थे, लेकिन उनके बारे में बताया हुआ है कि कैसे फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। अगर आपने ग्रेट लिखा है आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। प्रोनाउन यहाँ पर दो है, एक तो ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, महात्मा गांधी के लिए, और वी हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जो भी सेंटेंस को पढ़ रहा है। तो ये दो आपके प्रोनाउन है। अगर आपने एक भी लिखी है, ही भी लिखा है, तो भी आप करेक्ट कर लीजिए अपने आंसर को। अगर ये आपने दोनों लिखे हैं तो आपका आंसर सी है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है और ही और वी आपकी प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिवाता लिव्ड इन, हिवाता कहाँ रहता था, मड हाउस में, विगवाम में, या फिर पक्का हाउस में। ओके, ये आंसर आपने दे दिया होगा, आंसर आपको पीछे मिल जाएगा इसका। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर कि वो रहता था, व्हाट वी कॉल देम, ये डेफिनेटली आपको पता होगा। नहीं पता तो इसका आंसर जो है वो लास्ट में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज फॉर टू डिस्क्राइब द रैबिट, इनमें से कौन सा वर्ड रैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ब्यूटिफुल, ब्रेव, या फिर टिमिड। ये लास्ट में बताया हुआ है कि उसने, हिवाता ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था। सेम मतलब मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपको। एज पर स्टोरी आप बताएंगे, टिमिड होता है एक ऐसा एनिमल जो बहुत जल्दी डर जाता है, तो ब्यूटिफुल है, ब्रेव, या फिर टिमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिवाता लर्न वेयर द स्क्विरल हाइड देयर, हिवाता हिड देयर, हिवाता ने सीखा कि स्क्विरल अपनी क्या चीज़ कहाँ छुपाती है, बेबीज, एप्पल्स, या फिर अकॉर्न। अकॉर्न के बारे में आप थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं, अकॉर्न बड़ा होकर ऑक ट्री बनता है, ये एक सीड है आपका जो स्क्विरल लेके जाती है, और क्योंकि एक बार में पूरा वो फिनिश नहीं कर पाती तो उसको छुपा के रखती रहती है इधर उधर। तो स्क्विरल अकॉर्न कहाँ छुपा, सॉरी स्क्विरल क्या चीज़ छुपाती है, बेबीज, एप्पल्स, या फिर अकॉर्न, जो कि हिवाता ने पता किया था स्क्विरल के बारे में। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा, आप ज़रा आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, आपने बी लगाया तो राइट करिए, 1 मार्क दीजिए अपने आपको। सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये राइमिंग वर्ड्स थे आपके, तो इसका आंसर आपने वहीं पर ही क्रॉस चेक कर लिया होगा। सही था तो 1 मार्क दे दीजिए, अगर आपको राइमिंग वर्ड आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप राइमिंग वर्ड लिखेंगे भी। फिफ्थ का आंसर बी है, सिक्स सी, सेवेंथ ए। एट का आंसर देखिए, TAIL, टेल आपका करेक्ट आंसर है इसमें, क्योंकि इसका मतलब होता है टेल, पूछ, तो गिलहरी की ऑब्वियसली जो आपकी स्क्विरल है पूछ ही होगी, कहानी तो होगी नहीं। राइट सम जो था वो राइट, RIGHT सही था। एंड प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है, ध्यान से देख लीजिए, PAL होता है, PLE नहीं होता, तो ये प्रिंसिपल करेक्ट है। टेंथ का आंसर ए है, इलेवेंथ डी। ट्वेल्थ का आंसर मैं आपको वहीं पर ही बता चुकी हूँ, थर्टीनथ बी, फोर्टीनथ सी, एंड फिफ्टीनथ सी। तो सबसे पहले तो इफ़ यू थिंक कि वीडियो अच्छी है और आपने कुछ अच्छा सीखा इसमें, लाइक कर दीजिए। सेकेंड, मार्क्स लिख दीजिए अपने नीचे नाम के साथ, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, और थोड़ा सा आपका उनसे पूछेंगे तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बना रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका टॉपिक था। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू, और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।